फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड वैद साहब के द्वारा दी गई 38 रेमडी में से रेमडी नंबर 23 के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले 1 से लेकर 22 रेमडी के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में रेमडी नंबर 22 की लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी क्रम में आपको सभी वीडियोज की लिंक मिल जाएंगी और सभी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं और निश्चित तौर पर सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं। फ्रेंड्स डॉक्टर एडवर्ड वैद साहब ने कुल मिला के 38 रेमडीज दिए हैं जो फूलों से बनी हुई रेमडी हैं। जिस प्रकार से फूल कोमल सरल सहज और सुंदर आकर्षक होते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन मस्तिष्क और आत्मा होती है। फ्रेंड्स इसलिए डॉक्टर साहब ने फूलों की तुलना हमारे मन और मस्तिष्क के साथ उन्होंने किया है और उनका मानना है कि अगर हमारा मन मस्तिष्क और आत्मा स्वस्थ है तो हमको कोई भी बीमारी नहीं होगी और हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएंगे। और जो हेल्थ की डिफिनीशन है कि हम मानसिक रूप से ठीक हों, शारीरिक रूप से ठीक हों, हम सामाजिक रूप से आध्यात्मिक रूप से है ना, कई प्रकार की जो चीज़ें हैं, हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, उसी को हेल्थ की डिफिनीशन या कि स्वस्थ आदमी को कहा गया है। फ्रेंड्स तो डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर एडवर्ड वैद साहब हैं उन्होंने फूलों से बनी जो रेमेडीज हैं फ्रेंड्स, उस आधार पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों को उन्होंने ठीक कर दिया जो कि हमारे मन मस्तिष्क से शुरू होती हैं और हमारे शारीरिक लक्षण यानी कि जनरल सिम्टम्स उसके देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको एक जानकारी दे दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में तभी दिखती है जब वो हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा के ऊपर वो अटैक कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं, उसके बाद ही उनके जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा को ठीक कर दिया जाए तो बीमारी स्वतः ही चली जाती हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई बीमारी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमारे मन और मस्तिष्क की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स तो आइए हम लोग इस रेमडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई 23 नंबर की जो रेमडी है फ्रेंड्स, इस रेमडी का मेडिसिनल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, कौन सा पार्ट यूज होता है रेमडी बनाने के लिए, बात करेंगे कि इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या हैं फ्रेंड्स, उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर एडवर्ड वैद साहब के द्वारा दिए गए किस मानसिक लक्षण में इस रेमडी को दिया जाना चाहिए या कि क्या क्या लक्षण में इसको डॉक्टर्स जनरल रूप से देते हैं। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे इसके जनरल यूजेस के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो मानसिक लक्षण हो गया लेकिन ये जो रेमेडी है इसके, क्योंकि प्लांट मेड रेमेडी है, ये प्लांट है, तो इसके जनरल यूजेस क्या क्या हैं, यानी कि जो शारीरिक बीमारियाँ हैं जो लक्षण देखने को मिलेंगे उसमें किन किन बीमारियों में लक्षण में इसको दिया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स, क्योंकि प्लांट में रेमडीज हैं, फूलों से बनी हुई रेमडीज हैं और बहुत ही बेहतरीन इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। निश्चित तौर पर हम लोगों की चिकित्सा पद्धति में वही रोगी आज भी आते हैं फ्रेंड्स जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति से नहीं ठीक होते, अंत में आते हैं और उनको ठीक करना होता है फ्रेंड्स। काश वो शुरू में आ जाएँ तो उनकी बीमारी हमेशा के लिए और जो उनका इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं वो चाहे शारीरिक रूप से हो या कि आर्थिक रूप से हो वो भी बच जाता। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है इसका जो मेडिसिनल नेम है वो है ओलिव, OLIVE। फ्रेंड्स इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ओलिव यूरोपिया के नाम से जानी जाती है, OLEA ओलिया EUROPAE यूरोपिया। फ्रेंड्स बात करेंगे इसका जो कॉमन नेम है ये है यूरोपियन ओलिव के नाम से, ओलिव ऑयल प्लांट के भी नाम से जानी जाती है, स्वीट ऑयल पलम के भी नाम से ये जानी जाती है और इसके नाम हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण कॉमन नाम है जिनके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ और जान सकते हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स किस पार्ट से रेमडी बनाई जाती है, वो तो आपको पता ही है कि फूलों से बनाई जाती है। आगे बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर जो रासायनिक घटक है फ्रेंड्स वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वही रासायनिक घटक हमारे शरीर में काम करते हैं और वही हमारे शरीर को संचालित करते हैं, है ना, जो नेचुरल रूप से हमारे फल सब्जियों अनाजों में पाए जाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो पाई जाती है ट्राइग्लिसराइड इसमें से है फ्रेंड्स, इसके साथ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड और इसके साथ साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड पाई जाती है, फिनॉल है फ्रेंड्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज इसमें से पाया जाता है और ऑयल भी पाया जाता है क्योंकि ओलिव है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर ये सभी हमारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एडवर्ड वैद के द्वारा दिए गए मेडिसिनल
इसके बेनिफिट या कि सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ही यूनिक है, स्पेशली काम करती है शारीरिक और मानसिक कमजोरी को ठीक करती है। फ्रेंड्स आपको पता है कि डॉक्टर साहब के द्वारा जो रेमेडीज दी गई हैं वो हमारे मेंटल सिम्टम्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स ये शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकल और मेंटल्स जो वीकनेस है उसके ऊपर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ना तो मन काम करे ना तो तन काम करे उस कंडीशन में बहुत अच्छा कार्य करती है, माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटर है फ्रेंड्स। ये काम करती है कमजोरी की वजह से काम करने की असमर्थता। आप देखेंगे कि कमजोरी निश्चित तौर पे आपको पता ही है कि जब इंसान कमज़ोर हो जाएगा वीक हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। और निश्चित तौर पे इसका जो सिम्टम्स है कि कमजोरी की वजह से तो काम नहीं कर पाए ये तो ठीक है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसको काम करने की इच्छा ही नहीं होती। शरीर काम ना करे ठीक है, लेकिन इच्छा तो रहे कि हम काम कर लें अगर हम ठीक हो जाए, लेकिन उसको पूरी तरीके से इच्छा ही नष्ट हो जाती है। ऐसे कंडीशन में ये रेमेडी आप देंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और पुनः अपने काम में वो लग जाते हैं। फ्रेंड्स इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम्स इसको समझिएगा, ये तो लगभग सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन इसका जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो 3-4 दिन के बाद कोई भी काम है उसके लिए पुराना लगने लगता है और उससे ऊब जाता है। उसको हर दिन हर घड़ी बदलाव पसंद है फ्रेंड्स। कैसे कि एक ही जैसा काम करने की वजह से उसकी काम के प्रति निराशा या कि आप ऐसा हेट भाव आ जाता है, इस काम को हम बार बार कर रहे हैं इसको हम नहीं करेंगे, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है और उस काम से वो दूरी बनाना शुरू कर देता है। ठीक है आपने 4 महीने 6 महीने लगातार किया, 1 दिन 2 दिन के लिए आपने रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा घूम लिए, कुछ लोगों से मिल लिए, मूवी देख लिया, आप ठीक हो गए, लेकिन इसकी जो पर्सनालिटी है इसकी विशेषता ये है कि 3-4 दिन कोई काम कर लेगा तो उसको लगेगा कि इस काम को तुम 40 साल से कर रहे हैं और उसके लिए पुराना हो जाता है, जबकि आपको पता है कि 6 महीने तो सीखने में ही चला जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले तो हर पल बदलता रहे, हर पल उसके लिए नए काम या कि नए बदलाव चाहिए, ऐसे अगर सिम्टम्स है तो उसके लिए रेमेडी बहुत ही प्रभावी है ओलियो, इसको जरूर दीजिए फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसके जो जनरल यूजेस हैं इस रेमेडी के। ये रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करती है फ्रेंड्स यूटीआई के ऊपर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिसीजेस जो भी हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य करती है फ्रेंड्स। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है ब्रोंकाइटिस के ऊपर काम करती है फ्रेंड्स। ये अस्थमा के ऊपर काम करती है, अगर ब्रोंकाइटिस है यानी कि सांस नली में अगर सूजन है उसके ऊपर अच्छा काम करती है अस्थमा, जिसमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। डायरिया में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। डायबिटीज़ के ऊपर काम करती है, ये हाइपरटेंशन को ठीक रखती है, उसको कम उसको ठीक रखने में मदद करती है। लो बीपी है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करती है फ्रेंड्स, यानी कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों में इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। इन्फ्लेमेशन अगर शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो सूजन हो उसमें बहुत अच्छा ये काम करती है फ्रेंड्स। स्टोमक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो या कि बर्निंग सेंसेशन हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। हेमरॉइड्स अगर शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है अगर इसको आप देंगे तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये रेमेडी काम करते हैं रूमेटिज्म में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक प्रकार की पॉलीक्रिस्टिक रेमेडी है, कई बीमारियों में काम करने वाली रेमेडी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इन रेमेडीज के प्रति लोगों में जागरूकता होना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है, इनको संरक्षित करना भी जरूरी है। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।